तक जिंदा नहीं किया है। ओबितो इसके जवाब में कहता है कि उसे मादारा पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो प्लान को अपने तरीके से पूरा करेगा। ओबितो टेंटेल से वुडन प्रोजेक्टाइल्स का एलाइड शिनोबी फोर्सेस पर अटैक करता है, जिससे बहुत से शिनोबीज मर जाते हैं, इंक्लूडिंग नेजी युगा जो नारुतो को बचाते हुए मरता है। ओबितो नारुतो को डिमोरलाइज करता है कि वो अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर सका। एलाइड शिनोबी फोर्सेस ओबितो की बातों को सुनकर रुकते नहीं है और मिलकर फिर से एक अटैक करते हैं, जिससे वो टेंटेल्स को मादारा और ओबितो के कंट्रोल से फ्री कर देते हैं। मादारा और ओबितो मिलकर एलाइड शिनोबी फोर्सेस से लड़ते हैं। टेंटेल्स टेनपेंची यूज करने के लिए प्रिपेयर करता है। काकाशी उसे अपने कामुई से रोकने की कोशिश करता है, पर ओबितो उसे अपने साथ कामुई डायमेंशन में ले जाता है। काकाशी फिर से ओबितो से अपने सवाल पूछने लगता है और इस बार ओबितो उसे जवाब देता है और काकाशी से कहता है कि उसे रिन के मरने का कारण पता है और काकाशी को रिन को मारने के लिए गिल्टी फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिन ने खुद की जान दी ताकि वो लीफ विलेज को बचा सके। और ओबितो के ऐसा होने का कारण ये शिनोबी वर्ल्ड है जिसने रिन को ऐसा करने के लिए मजबूर किया। काकाशी ओबितो से कहता है कि वो गलत है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। काकाशी लाइटनिंग इन्फ्यूज कुनाई से ओबितो पर हमला करता है। ओबितो काकाशी को हमला करने देता है, जिससे कुनाई ओबितो के आर पार हो जाती है। ओबितो ऐसा इसीलिए करवाता है ताकि वो मादारा के लगाए फॉरबिडन इंडिविजुअल कर्स टैग से फ्री हो सके, जिसके बाद ओबितो काकाशी को स्टैब करता है, जिससे काकाशी गिर जाता है और ओबितो वापस रियल वर्ल्ड में चला जाता है। ओबितो टेंटेल्स के ऊपर टेलीपोर्ट होता है और मादारा ओबितो को सेंस करता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ताकि वो सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक से खुद को जिंदा करवा सके। ये टेक्निक पूरा हो सके उससे पहले मिनातो का शैडो क्लोन ओबितो को रोकने के लिए पहुंचता है। तब मिनातो को ओबितो के आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। मादारा ओबितो से हार मान लेता है, क्योंकि ओबितो तब तक अपने अंदर टेंटेल्स को सील करके टेंटेल्स का जिंजूरी की बन जाता है। ओबितो अपने न्यू एबिलिटीज के साथ रीइंकार्नेटेड होकागेस पर अटैक करता है और सभी को बड़े आसानी से ओवरपावर करता है। ओबितो पर अब कोई भी अटैक्स काम नहीं करते हैं और उसके ट्रूथ सीकिंग ऑप्स उसे हर अटैक से बचा लेते हैं। ओबितो अब भी टेंटेल्स के पावर्स को पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और अचानक उसका शेप बदल जाता है। ओबितो अपने माइंड में अपने पुराने टीम की फोटो को याद करते हुए टेंटेल्स के पावर्स को कंट्रोल करने में कामयाब रहता है, जिसके बाद वो और पावर्स के साथ सभी पर अटैक करता है। गामा कीची स्टार सिरप गन से ओबितो पर हमला करता है। नारुतो ये नोटिस करता है कि सेंजुत्सु अटैक्स ओबितो पर काम करेंगे। मून अपनी पोजीशन पर आ रहा था, जिसे देखकर ओबितो सभी एलाइड शिनोबी फोर्सेस को एक बैरियर के अंदर डाल देता है, ताकि उसके अटैक से कोई भी बच ना सके, जिसके बाद वो एक बड़ा फ्लावर बनाता है जो टेल बीस बॉम्ब रिलीज करते हैं। लेकिन नारुतो और मिनातो सभी को बैरियर के बाहर टेलीपोर्ट कर लेते हैं। ओबितो टेंटेल्स के अंदर से ट्री को समन करता है और बहुत से निंजा के चक्रा को अब्सॉर्ब करता है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। ओबितो फिर से सभी को डिमोरलाइज करता है और सभी से कहता है कि अगर वो लोग लड़ाई छोड़कर इन्फिनिट ड्रीम में जाते हैं तो वो उन पर दया दिखाएगा। नारुतो अंदर से टूट जाता है, पर सास्के सरेंडर करने से मना कर देता है, जिसके बाद नारुतो और सास्के मिलकर अपने सेंजुत्सु एबिलिटीज को कंबाइन करते हैं। ओबितो नारुतो और एलाइड फोर्सेस से लड़ते हुए फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर वो स्वॉर्ड ऑफ नूनोबोको को बनाता है, ताकि वो सभी को एक बार में ही खत्म कर दे। नारुतो और सास्के अपने दोस्तों की मदद लेते हैं ओबितो को हराने के लिए, जिसके बाद वो लोग ओबितो पर कंबाइंड अटैक करते हैं। ओबितो टेंटेल्स के चक्रा पर कंट्रोल खोने लगता है। एलाइड फोर्सेस उसकी बॉडी को खींचते हैं। इस दौरान नारुतो उनके लिंक चक्रा के थ्रू ओबितो से बात करता है। ओबितो बहुत कोशिश करता है नारुतो की बात और एलाइड फोर्सेस के ग्रिप से बचने की, पर आखिर में सभी नाइन टेल बीस उसके अंदर से निकल जाते हैं, जिसके बाद ओबितो वापस ट्रांसफॉर्म होकर गिर जाता है और लड़ाई हार जाता है। काकाशी कामुई डायमेंशन से बाहर आता है और ओबितो को मारने के लिए अटैक करता है। मिनातो काकाशी को रोककर कहता है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, ओबितो हार चुका है और अपनी गलतियों को समझ चुका है, जिसके बाद सभी एलाइड फोर्सेस मादारा से लड़ने लगते हैं। ओबितो माफी मांगते हुए सामसारा ऑफ हेवनली लाइफ टेक्निक की मदद से सभी मरे हुए शिनोबीस को जिंदा करने की कोशिश करता है। इस टेक्निक को परफॉर्म करते हुए ब्लैक जेसु ओबितो को कंट्रोल करने लगता है और ओबितो से मादारा को जिंदा करवा देता है। ब्लैक जेसु ओबितो के रिनेगान को लेने की कोशिश करता है, पर काकाशी और मिनातो उसे ऐसा करने नहीं